हम लोग हैं ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन IPO से। एक क्वेश्चन होता है मन में कि हीट पंप पानी गर्म कैसे करता है, प्रोसेस क्या है गर्म करने का, ये कम बिजली कैसे लेता है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं कस्टमर के। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा शॉर्ट करके दिखाऊँ कि कैसे गर्म करना है। सबसे पहले ये देखना, हीट पंप है ये और ये इसके साथ रिमोट है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम। अब हीट पंप गर्म कैसे होता है, ये है आउटडोर, क्लोज कीजिए कैमरा को, ये है आउटडोर और यहाँ से ये एयर सक करता है। एयर सक करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर में लगे हुए हैं कंप्रेसर। वो कंप्रेसर क्या करता है, कोई भी चीज़ों को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर का यूज़ होता है। तो जितना भी एयर को खींचता है उसे कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस करके इसमें गैस होता है, जो वो हीटिंग गैस बोलते हैं हम लोग, R-434 कहा जाता है शायद उसे, मैं श्योर नहीं उस बात से फिर भी। तो ये हीट पंप बेसिकली गर्म हवा खींचता है और जैसे इसको सप्लाई करता है कंप्रेसर को, और इधर से आप देखेंगे तो ये हीट पंप से कनेक्टिविटी किया गया है, हीट पंप से नहीं, इस टैंक से। इस टैंक में है नॉर्मल वाटर, इससे हमने पानी लिया इनपुट के तौर पे, जो इसमें पानी गया है। कई बार हम लोग इधर क्लोज कीजिए, कई बार हम लोग कहते हैं कि ये कैसा यूनिट है, इसके अंदर ही गैस का पूरा फंक्शनिंग है या इसके साथ कॉपर पाइप से जुड़ेगा। तो ये कमर्शियल मॉडल है, सब कुछ फंक्शनिंग इसके अंदर है, इसमें हमें पानी भी इन करना है और आउट भी यहाँ से हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर जो ये कंप्रेसर का काम करता है, कंप्रेस करता है, और इस टैंक में पानी है। ये पानी जो भी हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है उस टेम्परेचर पे जाके ये बंद होगा। कैसे होगा, ये हमारा फीड पंप है। फीड पंप का काम क्या होता है कि जो इस टैंक में पानी है ये बार बार खींच के इसको रोटेट करेगा, रोटेट करता रहेगा, और इसमें कंप्रेसर है वो उससे हीटिंग करता रहेगा उस चीज़ों को। और भी कई तरह के इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। और जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है उस टेम्परेचर पर जाके ये यूनिट कटआउट मार जाएगा, और ये फिर जितना भी हमने इस पर सेट किया हुआ टेम्परेचर उस पर जाके कट मार जाएगा, फिर ये मशीन बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब आपने पानी यूज़ किया फिर से ये मशीन स्टार्ट होगा, और जितना आपका शॉर्टेज टेम्परेचर गया उसे वो पूरा करके फिर ये कट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है। कई बार हम लोग इसमें क्वेश्चन रहता है कि बिजली कम कैसे खाता है। ये मशीन है 12 किलोवाट का मशीन है, बट इसका इनपुट पावर क्या है, 2.5 किलोवाट, यानी 2.5 किलोवाट आउटपुट लेता है, और इसका COP होता है 4, जिसको जितना इनपुट ले रहा है मल्टीप्लाई अगर 4 करेंगे आप, 10 किलोवाट होता है करीबन। तो ये परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है इसका, 4.25 COP है, ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है मशीन का। तो ये है बेसिकली इसका फंक्शनिंग, जो हीट पंप का, कि कैसे पानी गर्म करेगा। और हम लोग हैं ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन से, और मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता। हमारे करीबन 300 से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेगा YouTube पे, चाहे आप फाउंटेन लगाना चाहते हो, प्रेशर पंप, वाटर सॉफ्टनर, हीट पंप, ऑल आइटम हमारे पास होता है। थैंक यू सो मच।